इस बार अलविदा जुमे की नमाज ईदगाह या मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों पर ही होगी। लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए उलमाओं ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही मुसलमान समाज के लोगों से एक दूसरे से गले न मिलने की भी अपील की है। संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम धर्म गुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए ईद की खरीददारी ना कर उन पैसों से कोविड पीड़ित मरीजों की मदद करने के लिए आगे आए। मुस्लिम उलमाओं ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ईद पर मुसलमान कम खरीददारी करें और बाकी पैसों से कोविड पीड़ित व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन, गैस सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाइयां समेत अन्य सामान खरीदकर उन तक पहुंचाने में मदद करें। आज हम लोग बैठक की इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो ईद या रमजान का महीना चल रहा है और इसी दौरान में महामारी, कोरोना की महामारी चल रही है, पिछले साल भी थी, इस साल भी है। पिछले साल भी आवाम ने लोगों की मदद की, गरीब गुरबा की, इस साल भी हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अपने अपने अखराजात को कम करके गरीबों को बांटें, गरीबों पर इसको खर्च करें ताकि जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। ईद की ख़रीदारी न करके कपड़े और जूतों की और दीगर चीज़ों की हम गरीबों को दवा, इलाज और राशन का सामान दे दें ताकि उनकी भी ईद हो जाए, उनके भी खान पेट पालने का साधन हो जाए। इसी पर हम लोग बैठ कर के चर्चा कर रहे थे, हमारे फैयाद भाई, हसीब भाई, राजू भाई, शाहिद मियाँ भाई, ये कुछ तो बैठे थे, मौलाना साहब बैठे थे, तो अपील आपने किया। चर्चा कर रहे थे, आवाम से अपील कर रहे हैं कि आवाम इस बार भी जिस तरह पिछले साल लोगों ने गरीबों की मदद की, कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी तरफ से एक अपील कर रहे हैं, अपने आवाम की तरफ से, हम भी इलाहाबाद की आवाम हैं, आपसे अपील कर रहे हैं। और उलमा की एक अपील है कि आप 10 बजे रात में अपने घरों पर अजान दें, अपने घरों से अजान दें और दुआएं करें कि अल्लाह पाक इस वबा को दूर करें।